मकरंद चंद्र वदनम भवतम सदैवम रूपो वतायै मदने वदित्यम आत्मोन्नति पूर्णमदे पूर्णम न पूर्णो भवैवै सहितं सदायम। आज का प्रवचन में महाविद्योपनिषद के इस श्लोक से प्रारंभ कर रहा हूं। मैं श्लोक से पहले तीन चार बातें, एक तो श्रीवास्तव ने कहा कि ये कल्प वृक्ष है और कल्प वृक्ष में जो भी आप इच्छा करते हैं वो पूरी होती है। साइंस नित बढ़ती रहती है, उन्नति करती रहती है, सुख सुविधाओं की वृद्धि होती रहती है। मैं 3 साल पहले अमेरिका गया था, 4 साल पहले, तो मुझे ऐसे गद्दे पर सुलाया गया जो अंदर हीटर लगा हुआ था। सर्दी दिनों में गया था तो अंदर तार बिछे होते, ऊपर गद्दा सा होता है और प्लग लगा देते हैं और अमेरिका में चल सकता है। यहां पर तो करंट से मर जाएगा, तार बाहर निकल जाएंगे और आदमी सुबह जिंदा ही नहीं रहेगा। वो अमेरिका की बात कर रहा हूं। तो सोया तो सर्दी लगी नहीं। मैंने कहा ये क्या स्थिति है, तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक बेड है और इसमें बड़ा आराम मिलता है, ऐसा गुनगुना सा बना रहता है आपको, और कंबल भी ऐसा था जैसे गुनगुना सा था। फिर उसके 1.5-2 साल बाद गया तो एक नए बेड पे सोने का मौका मिला, गद्दे पर। उस गद्दे में पानी भरा हुआ था और ऊपर लेटा तो ऐसा लगा कि जैसे मैं कोई समुद्र के ऊपर लेट रहा हूं, ऐसा लगा। तो मैंने कल आपको कहा था इस कल्प वृक्ष के नीचे कि आपको अच्छा मखमल मिले, गद्दा मिले। मैं साइंस ने प्रगति की है कि पानी का आपके गद्दा बिछा दिया और पानी के गद्दे पर सोए गए। वह तो कल्प वृक्ष है। आपने सोचा कि गुरुजी अगर उस गद्दे पर सो के आए पानी से भरे हुए गद्दे पर, तो हम सीधे पानी पे ही लेटे, तो अब वो तो कल्प वृक्ष जैसा आप सोचते रहेंगे वैसा होता रहेगा। इसलिए भली बात सोचें और ऐसा बात नहीं सोचें कि अच्छा पड़ोसी की सारी एक आंख खत्म हो जाए, क्योंकि कल्प वृक्ष तो है ही। इसलिए थोड़ा सा दूसरी बात, श्रीवास्तव की व्यथा भी अपनी जगह सही थी। मैंने जिंदगी में मर्यादा अनुशासन को तो महत्व दिया ही है, अपने जीवन में भी और परिवार में भी और गृह शिष्यों में भी। यहां पर मैं आप लोगों को अमर्यादित देख रहा हूं। आप मुझसे मिले नहीं मिले, शिष्य रहे नहीं रहे, वो तो आपकी इच्छा की बात है, मगर मैं अपने गुरुत्व पद से नीचे नहीं गिरूंगा। जो कुछ बात होगी कहनी पड़ेगी, क्योंकि आप पर निगाह केवल आपकी नहीं है, आपके आसपास के लोगों की भी है और यहां 6 नवरात्रियां और चल रही हैं जो अलग अलग धर्मों अलग अलग संप्रदायों से संबंधित है। वे लोग भी आकर के आप लोगों को मुझको देखते हैं कि इनके साधना स्थल पर क्या चिंतन है, कैसा विचार है। पत्रकार भी आते हैं और जब मेरे आने के बाद भी आप आधे किलोमीटर डोलते हुए आते रहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप मजबूरी में यहां बैठे हुए हैं, मर्यादा जैसी कोई बात मुझे नजर आई नहीं। और यदि मर्यादा नहीं होगी, जहां अनुशासन नहीं होगा, जहां आपके मेरे बीच में दौड़ करके आने की और पहले पहुंच करके बैठने की एक भावना एक शिष्टता नहीं रहेगी, तो कोई संबंध भी नहीं बन पाएगा। गुरु शिष्य का संबंध तो बहुत दूर की बात है, एक मामूली संबंध भी नहीं बन पाएगा। आपका धर्म और एक कर्तव्य है कि यदि आयोजक ने यह कहा है कि 3 बजे गुरु जी आएंगे तो आपको 2:45 बजे कम से कम आकर के बैठ जाना चाहिए, और सुबह अगर कहा है 7 बजे आपको आसन पर बैठना चाहिए तो बैठना चाहिए। नहीं बैठेंगे तो नुकसान आपका ही है। नुकसान इस दृष्टि से है कि जो कुछ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा और मन में एक बड़ा क्षोभ, मन में एक बड़ा वितृष्णा पैदा सी होगी कि मैं किन लोगों को तैयार कर रहा हूं, कैसे तैयार होंगे ये, कैसे इन लोगों को, जब मैं बार बार ये कहता हूं कि ये सिद्धांत समझाएंगे, तो मैं किस चिंतन से उन सन्यासियों से लड़ूंगा,
किस बात से लड़ूंगा, कहूंगा कि ये बिल्कुल एक मर्यादित शिष्य हैं, ये अपने आप में उच्च कोटि के शिष्य हैं, मेरे मुंह से बात कैसे निकलेगी? नहीं निकल सकती। ये तो आपका चिंतन है, मुझे तो 3 दिन बिताए, 4 दिन और आपके मध्य प्रदेश में बिता दूंगा। मैं तो 4 बार यहां शिविर हुए, 4 बार कैंसिल होते गए। अमरकंटक में हुआ तो मैं आते हुए भी नहीं आ पाया, इससे पहले भी एक जबलपुर में हो रहा था शिविर, सारी तैयारी शुक्ला ने कर दी थी, मैं नहीं आ पाया, वहां पर भी कोई कोई कांड हो गया। तो ऐसे 3-4 शिविर कैंसिल होते गए, शायद प्रभु की या गुरुदेव की इच्छा होगी कि ऐसे अमर्यादित शिष्यों के बीच में जाकर के तुम करेगा भी क्या, जहां तुम्हें क्षोभ होगा, वितृष्णा होगी, तो वहां तुम्हें जाना ही नहीं जाएगा, तुम अपना अपमानित महसूस करेगा, उससे क्या लाभ होगा। शायद उस वजह से जबलपुर का शिविर आज से 4 साल पहले हो रहा था, कैंसिल हुआ और मैंने कैंसिल किया। उन्होंने तो पूरी तैयारी कर दी थी, अंतिम क्षण तक भी, अमरकंटक में भी बिल्कुल तैयारी थी मेरे आने की, टिकट लिया हुआ था, फिर भी मैंने ही आने के लिए कैंसिल किया। इसके अलावा एक और शिविर था, तब भी कैंसिल किया। इस बार तो अंतिम क्षण तक भी ऐसा ही रहा कि शायद जाए नहीं जाए, बड़ा ऐसा घुमन कभी रहती नहीं है। मैं आपको दोष भी नहीं देता हूं, ये तो आपके अंदर की एक भावना है, आप किस प्रकार से अपने जीवन को अनुशासन करें, जिस ढंग से आपने जीवन को व्यतीत करना चाहें आप कर सकते हैं, मगर मेरे होठों पर बहुत अच्छा एक चिंतन लेके जाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और भी कई प्रांतों में गया हूं, मध्य प्रदेश बहुत ज्यादा समर्थ प्रदेश है, इस प्रदेश से मेरा एक संबंध है, आत्मीयता भी है, यहां पर मैं बहुत घूमा हूं, जबलपुर के किनारों पर, जबलपुर के इस नदी के किनारे पर, नर्मदा के किनारे पर मैं संन्यासी समय बहुत रहा हूं। और आप लोगों में मर्यादा देखी है, इसलिए उसका क्षोभ होना आप लोगों के लिए मेरे लिए एक सोचने की बात, स्थिति पैदा कर देती है। वो कहता है मैं गुरुजी के सामने ये बात कह रहा हूं, तो वो जब गले तक भर गया होगा तब कहा होगा उसने, बाकी उसके मुंह से ऐसी बात निकलती नहीं है। वो आपकी तरफ ही 98% आपके फेवर में रहता है, मेरे फेवर में तो 1-8% ही रहता है, मगर फिर भी हमें कुछ प्राप्त करने के लिए एक मर्यादा, एक अनुशासन, एक गुरु के प्रति अटैचमेंट, चाहे मैं गुरु हूं चाहे कोई भी हूं, आपके जीवन में मेरे बाद को दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, नहीं आएगा, मगर वो तो आपके चिंतन की बात है। इसलिए हम अगर 3-4 दिन बरसात हो रही हो तो होगी, प्रकृति आएगी, आप उसमें विचलित होते हो, और ठेठ मेरी गाड़ी आ रही है, मैं आपको 1.5 किलोमीटर घूमते हुए मूंगफली खाते हुए देख रहा हूं, तो ठीक है 3-4 में और व्यतीत कर लीजिए, मुझे तो कोई इसमें आपत्ति नहीं है, मगर बिना आह्लाद के मैं कुछ दे भी नहीं पाऊंगा, बिना आंतरिक प्रसन्नता के आप कुछ ले भी नहीं पाएंगे, खाली भीड़ को संबोधित करने से कुछ आनंद भी नहीं आ पाएगा। मेरे मन में भी रहेगा कि यदि आपने कुछ त्याग किया है तो मैं उसका ज्यादा से ज्यादा मूल्य देकर के जाऊं, आपका एहसान, आपका कर्ज मेरे ऊपर नहीं रहे। 3 बजे आने के पीछे मेरा मकसद यही था, मैं तो 1-4 घंटे बाद वापस 7 बज रहे थे, मुझे मालूम था 1/2 घंटा 15 मिनट टाइम मिलेगा, फिर आपको भोजन के लिए जाना पड़ेगा, फिर अगर यहां लेट कर दूंगा तो फिर आप नहीं आ पाएंगे, फिर शाम को फिर लेट हो जाएगा, 12-1 बज जाएंगे, फिर सुबह नहीं उठ पाएंगे, सारी एक चक्र परिवर्तित हो जाएगा। फिर भी भावना यह रही कि अगर 12 घंटे हमारे कम हो गए, कल भी लेट हो गए, आज दिन को भी सुबह प्रवचन करना था वो नहीं कर पाया, या सुबह मुझे जो साधना देनी थी वो नहीं दे पाया, मंत्र नहीं दे पाया, तो फिर एक खंड अधूरा रह जाएगा। यदि मुझे 7 या 8 साधनाएं आपको समझानी है, देनी है, यदि मैंने कहा कि इस नवरात्रि में आपको पूरा क्रम मुझे समझाना है, तो क्रम में अगर 2-3 सीढ़ियां बीच में रह गई तो आप ऊपर तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए बीच में आने के पीछे मेरा कारण, मेरी मजबूरी, मेरा चिंतन, मेरी विचारधारा यही थी। मैं तो अभी ये कह देता कि अब 4 बज गए, अब 7 बजे पहुंचना है, 2-2.5 घंटे में क्या फर्क पड़ता है, वो यूं भी मूंगफली टूंग ही रहे हैं, आराम से चाय पीने दीजिए और फिर आकर के बैठना है, उनको बैठ जाएंगे, थोड़ी आरती कर लेंगे, थोड़ा जय गुरुदेव की जय 4-6 बार कर देंगे, मैं भी खुश हो जाऊंगा और वो भी खुश है, अगर ऐसे ही खुशी करनी है तो 3-4 दिन कर देंगे खुशी। मैं क्षोभ हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा, और नहीं लगा तो फिर नहीं लगा, और कल अच्छा लगेगा तो मैं आपको कह दूंगा आप अच्छा लगेगा, उसमें तो आपकी मर्यादा की बात है, आपके चिंतन की बात है। 2 दिन अगर आप इधर उधर नहीं डोलेंगे तो आप ज्यादा लाभ में रहेंगे, और कैसे लाभ में रहेंगे, वह तो आग की लकड़ी को चंदन में घिसने से, चंदन की लकड़ी से घिसने से आग को मालूम नहीं होता कि इसके घिसने से मुझे क्या लाभ होगा, मगर जब उसमें सुगंध फूटती है तो कोई वो चंदन का पेड़ उस आग की लकड़ी को मंत्र नहीं सिखाता, कोई साधना भी नहीं सिखाता, कोई मंत्र जाप भी नहीं करता, वो कोई माला भी नहीं जपता, केवल शरीर से घर्षण करता है, आमने सामने देखता है, केवल चंदन की लकड़ी और आग की लकड़ी को बांध करके साथ में रखा जाता है, और चंदन का कुछ घटता नहीं है, आग की लकड़ी में खुशबू आ जाती है। यदि आप मेरे प्रभाव में हैं, मेरे सामने हैं, तब भी एक दूसरे की, अगर मैं कल शक्तिपात करता हूं तो नेत्रों से शक्तिपात करता हूं, और आपको देखता हूं तो शक्ति का प्रवाहित होगा, आंखें तो वो की वो हैं।
मैं शक्तिपात आप पे करना चाहता हूं, आप शक्तिपात मूंगफली के दाने पे करना चाहते हैं, वो तो आपकी चिंतन उस पर है क्योंकि वो आसानी से पच जाए। मैं सोचता हूं कि ये अच्छी तरह से पच जाए मेरे जीवन में, मेरे शरीर में, मेरे खून में, मेरे रक्त में, मैं उसको ज्यादा पसंद करता हूं। और तीसरी बात, नंद किशोर ने यह कही कि हमारे जीवन का प्रत्येक पन्ना तंत्र, हमारे जीवन का प्रत्येक पन्ना कुछ न कुछ लिखा होना चाहिए। यदि खाली कोरा पन्ना है और कोरा पन्ना नहीं है, वो रूटीन लाइफ है, तब जीवन का कोई अंत नहीं है, आनंद नहीं है, उसमें चैलेंज होगा ही। अगर बरसात होगी तो होगी, आप क्यों है सर हिमालय में बरसात नहीं होगी क्या, जंगल में कहां से आप लाओगे टेंट वेंट, क्यों आप चिंता करते हैं, क्या हो जाएगा, मरेंगे आप नहीं और बिछुड़ेंगे आप नहीं और बीमार आप पड़ेंगे नहीं, बेकार आप चिंता कर रहे हैं, बेकार हौच पौच हो रहे हैं, बूंदी आ रही है रक्त नहीं पा रहे हैं। आप बरसात में खड़े रहें और मुझे मजबूर कर दें कि मैं बरसात में खड़ा होकर आपको प्रवचन दूं, आनंद तो उस बात का है, रस तो उस बात का है। उसने उस तुलाराम का, उस राजेंद्र का उदाहरण देखकर समझाया कि उन्होंने आपको और मुझे बीच में मिलाने के लिए प्रयत्न किया बेचारों ने बहुत। श्रीवास्तव आज 3 महीनों से भागदौड़ कर रहा है, शायद 5-7 दिन से नींद ही नहीं ली है। इन सभी साधकों ने, ये जो जितने बैठे हैं, इन्होंने अथक परिश्रम किया है, मैं इस परिश्रम को समझ रहा हूं, मगर उसके बावजूद भी अगर प्रकृति है तो आप बहुत अधिक विचलित हो जाते हैं इस प्रकृति के माध्यम से। प्रकृति को मैं साधना में सिखाता हूं, ये प्रकृति हमारे अनुकूल रहेगी रहेगी, बरसात होगी अपनी जगह होगी, हम क्यों उसको रोकेंगे, आंधी आएगी तो अपनी जगह आएगी, तूफान आएगा तो अपनी जगह, तुम्हारे शरीर के अंदर बहुत तूफान मचा हुआ है, उसको आप शांत करने की कोशिश नहीं करें, बाहर के तूफान को, बाहर की बरसात से आप घबरा रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, ऐसा विचलित होने की जरूरत नहीं। और मैं फिर कल्प वृक्ष के नीचे कल जैसा कहा कि बरसात हो घबराएंगे नहीं, हम खड़े रहेंगे तो बरसात होने लग गई, तो चलो अब ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई बरसात हो हम घबराएंगे नहीं, कल्प वृक्ष के नीचे हर एक बात सीधी सीधी बोलेंगे, मगर फिर भी आप एक आनंद के साथ, प्रत्येक क्षण के साथ मेरे साथ मिलिए, मेरे सामने आइए, मुझसे बातचीत करिए और मैं आपसे सबसे मिलके जाऊंगा। आप यहां सब शिविर छोड़ के वहां आके खड़े हो जाते हैं, बाहर भीड़ लगे शिविर में 20 लोग, वहां 200 लोग, मैं मिलूंगा आपसे, जब मैंने कहा आपसे मिलूंगा तो मैंने टाइम दिया है आपको, हो जाएगा, इतने आप बीच में डिस्टर्ब नहीं हो, विचलित नहीं हो, ये सब शिविर खत्म करके वहां भाग के आने में भी कोई आनंद नहीं है, उचित नहीं है, मुझे बड़ा बहुत बहुत सा लग रहा है। और दूसरी बात उसने ये कही कि जीवन का एक आकर्षण मोहन, ये जीवन में जब तक नहीं होगा जब तक इस जीवन में रस नहीं आ सकता, और मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं कि अगर जीवन में रस नहीं है तो फिर जीवन का कोई अर्थ नहीं है। जीवन का तात्पर्य है कि जीवन एक रस से भरा हुआ, आनंद से, प्रेम आनंद, पत्नी के प्रति अटैचमेंट, अपने परिवार के प्रति अटैचमेंट, पुत्र के प्रति अटैचमेंट, अपने समाज के प्रति अटैचमेंट, ईश्वर के प्रति और गुरु के प्रति और आम लोगों के बीच में और कहीं पर भी, हमारा एक व्यक्तित्व ऐसा हो कि जहां भी जाएं उस ढंग से अपने आप को ढाल दें। गजल गाने में, गजल सुनने में कोई दोष नहीं है, कोई दुख नहीं है, मगर हम ढाल नहीं पाते अपने आप को। प्रवचन करने में कोई तकलीफ नहीं है, हम अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और जब अपने आप को बदलने की क्रिया आप में इसलिए नहीं है कि आपके पास वह विद्या नहीं है, वह ज्ञान नहीं है जिसकी वजह से आपका पूरा जीवन का एक एक क्षण, एक एक कण अपने आप में आनंद मग्न हो। कल मैंने आपको लक्ष्मी का एक प्रयोग समझाया कि इस लक्ष्मी के प्रयोग के माध्यम से हम जीवन में वह सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। मैं भी समझता हूं कि सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, और यदि ऐसा प्रयोग करते हैं तो ऐसा होता ही है, मगर यदि आपकी आंख में कशिश नहीं है, ताकत नहीं है, आकर्षण नहीं है, तो आप किसी को भी रिंझा नहीं सकते, अनुकूल नहीं बना सकते। आपकी आंख की चिंगारी में अंगारा भी हो और एक आकर्षण भी हो, वशीकरण भी हो, दोनों आंख, दो आंखें भगवान ने दी इसलिए, एक प्रेममय हो, एक भीगी हुई मधुरता युक्त ओष की तरह झिलमिलाती हुई, देखें तो हम मोहित हो जाएं, और दूसरी आंख में चिंगारी भी होनी चाहिए कि सामने शत्रु खड़ा हो तो एकदम से गस खाकर के गिरने के लिए मजबूर हो जाए। और कन्वर्शन का मतलब यही है कि कन्वर्ट का मतलब इतना ही, बदलने का, चेंज होने का, परिवर्तित होने का मतलब यह है कि क्या कोई ऐसी विधि है जिसकी वजह से हमारा पूरा शरीर अपने आप में आकर्षण युक्त हो जाए, कोई विधि है,
क्या कोई ऐसी स्थिति है कि पूरा शरीर एक चुंबकीय समूह बन जाए? क्यों कोई एक स्त्री होती है, एक लड़की होती है, जिसके पीछे 50, 100, 200 उसको देखते छिटक जाते हैं कि बहुत सुंदर है? क्यों होता है? क्या सौंदर्य उसमें? क्यों इस पुरुष में ऐसा सौंदर्य होता है कि अपने आप में वक्षस्थल होता है, खड़ा होने की भावना होती है, चलने की स्टाइल होती है, अदा होती है, उसकी आंख में एक चीज होती है और देखने वाली स्त्री या देखने वाला पुरुष या देखने वाला साथी छिटक के खड़ा हो जाता है कि क्या पुरुष सौंदर्य है? आधा इफेक्ट प्रभाव तो उसकी पर्सनलिटी से ही पड़ जाता है। बोलने की बात, चलने की बात तो दूसरी बात होती है। क्या ऐसा सौंदर्य, क्या ऐसा प्रभाव, क्या ऐसा सम्मोहक हर व्यक्ति चाहता है? प्रत्येक स्त्री चाहती है। और पश्चिम में अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इन देशों में तो लाखों रुपए खर्च करने के बाद यह प्रयत्न करते हैं कि क्या इससे संपूर्ण सौंदर्य प्राप्त हो सकता है या नहीं। और सौंदर्य को प्राप्त करने के लिए स्त्रियां पागल रहती हैं, लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम और फेस और वो आंखों के नीचे मस्कारा और वो जितना सब कुछ, इसलिए है कि शायद अंदर से वह यौवन नहीं फूट सके तो बाहर से कुछ दिव्यमानता बने। मगर वह तो एक नकली है, वह तो एक 4-5 घंटे का है। जब तक मतलब आप वो लगा हुआ पाउडर है तब तक है, अगर आप उसका मुंह धुलवा दें तो अंदर बिल्कुल उसका ओरिजिनल सूर्पण खाका स्वरूप है, वो सामने स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा है कि लड़की से शादी करने के लिए वो सजज के चाय लावे तब आप उसको मत देखिए, सुबह 6 बजे एकदम से घर में पहुंच जाइए, जब उठे तो मालूम पड़ जाएगा असली स्वरूप उसका क्या है, तो मालूम पड़ेगा। और पुरुष में भी ऐसा ही है, आप पुरुषों को आप देखिए डोलते हुए, आंखें धसी हुई, चश्मा चढ़ा हुआ, क्या हाल चाल है, ठीक है, अरे तुम ठीक हो, बहुत ठीक, बहुत ताकत है तुम सामने तो आ जा, अरे सारा फूंक दे तो 40 फुट तक ऊपर गिरता है, और बहुत ताकत है हम आ जाएंगे। सौंदर्य था 50 साल 60 साल पहले, हमने देखा है गढ़वाल का सौंदर्य, कश्मीर का सौंदर्य, भारतवर्ष का सौंदर्य, मध्य प्रदेश का सौंदर्य, छत्तीसगढ़ सौंदर्य, हमने देखा है ग्रामीण सौंदर्य देखा है और शहरी सौंदर्य भी देखा है, पुरुषोचित सौंदर्य भी देखा है, देवताओं के सौंदर्य भी देखे, अप्सराओं के सौंदर्य भी देखे। क्या देवताओं के सौंदर्य पुरुष में प्राप्त हो सकता है? वह अगर नहीं है तो घर की पत्नी नहीं रिंझ सकती, घर का बेटा रिंझ नहीं सकता और लक्ष्मी रिंझना और सरस्वती रिंझना तो बहुत आगे की बात, नहीं संभव होता। पत्नी भी कहती है कि आप क्या ऐसे मरे मरे से रहते हैं, बाद मुझे शर्म आती है, पति कहते हुए मुझे पत्नी कह भी नहीं सकता कि मैं आपकी पत्नी हूं। अरे थोड़ा मर्दानगी रखिए, देखो कृष्णलाल कैसा मर्द है। और आप सोचते हो सारा कृष्णलाल का नाम ले रही है, सारा मैं क्या करूं कुछ, और वो थोड़ा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और ज्यादा खा लेता है शायद इससे कुछ हो जाए, उससे कुछ होता नहीं है। इससे नहीं हो सकता। और हम शास्त्रों की बात करते हैं कि रति जैसा सौंदर्य होना चाहिए या कामदेव जैसा, आनंद जैसा सौंदर्य होना चाहिए पुरुषों का कि देखते ही आदमी ठक से खड़ा हो जाए, एकदम सोचने लग जाए कि है सौंदर्य। और यह सौंदर्य कोई यौवन में ही प्राप्त हो ऐसा जरूरी नहीं है, 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल की उम्र में भी सौंदर्य रहता है, 20 साल की उम्र में भी रहता है, मगर वह सौंदर्य बाहर से थोपा हुआ नहीं होता, वह सौंदर्य आंतरिक उल्लास से होता है और उल्लास खरीदा नहीं जा सकता, प्रसन्नता खरीदी नहीं जा सकती। उस जो है अंदर अमृत घट जो है वो प्राप्त करने पर, और जब रावण बहुत युद्ध करने लगा तो विभीषण ने कहा कि आप रावण को नहीं मार सकते, तब तक नहीं मार सकते जब तक इसके अंदर एक अमृत घट है, अंदर का कलश है, छलकता रहता है, और जब अमृत कलश छलक जाता है, अंदर से नहीं रह पाता, सूख जाता है, तो आदमी श्रीहीन हो जाता है, उसका चेहरा एकदम से कमजोर सा हो जाता है। आप जितने भी हैं, मैं तो जितना लोगों को देखा है, मेरी आंखें जब उस पुरुषोचित सौंदर्य को देखने की अभ्यस्त रही है, हिमालय के उस सन्यासियों की, योगियों की, 80 साल के हैं मगर आंख में लपक है, तेज है, और कोई भी शत्रु उसके सामने अगर देखता है तो शत्रु को 2 मिनट आंख नीची करनी पड़ती है, झुकना पड़ता है, चाहे आपका ऑफिसर हो, चाहे आपका परिवार का कोई सदस्य हो, चाहे आप खुद हो, एक गर्व होता है कि मैं कुछ हूं, मैं जाता हूं तो एक प्रभाव पैदा हो जाता है, 500 लोग खड़े हैं तो लोगों की दृष्टि मेरे ऊपर टिक जाती है। वैसा नहीं है तो जीवन बेकार है, फिर रस प्राप्त नहीं हो सकता, नंद किशोर के कहने से भी वो रस नहीं प्राप्त हो पाएगा, संभव नहीं है। उस रस को प्राप्त करने के लिए कोई साधना होगी, इसलिए हमारे शास्त्रों में उस प्रकार के सौंदर्य के लिए कोई आयुर्वेदिक औषधि या मन दूसरे कोई चीजें नहीं बताई। उन्होंने कहा ऐसी विधियां हैं, ऐसी तरकीबें हैं, ऐसी स्थितियां हैं, और इसीलिए उसको काम के नाम से संबोधित किया गया है। और मैं जब कह रहा हूं काम, क्रोध, लोभ, मोह, और इनको छोड़ देना चाहिए, सारे सन्यासियों ने कहा कि ये सब छोड़ देना चाहिए बच्चे, मैं कहता हूं सब चीज हमारे पास रहनी चाहिए, क्यों छोड़े हम?
काम हो हमारे जीवन में। अगर अगर तुम्हारे शरीर में काम भावना होगी नहीं तो बस ये पीढ़ियां खत्म है, फिर तो आगे पीढ़ी बढ़ेगी नहीं, अगर यहां समाप्त किया नहीं जा सकता। काम भावना हो। परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम रीम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय रीम ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवि तुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।